아자아자아자. 어이, 기절자루! इस बहन जी को टांग अड़ा के नीचे गिरा देती हूँ, पर ध्यान रखना होगा कि अभी आसपास ना हो, वरना फिर वही बचा लेगा। अरे दिखाई नहीं देता क्या, इतने जोर से धक्का मार दिया। तुम मॉडल्स लोग ना अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती हो। तुम्हारे पांव तो जमीन पे टिकते नहीं है, दूसरे लोगों को धक्का देती फिरती हो। चार पांच मॉडलिंग असाइनमेंट्स क्या कर रही है, दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा पड़ा है तुम्हारा। लिसन, डोंट गेट पर्सनल। अगर मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ करो तो क्या कर लोगी तुम? सुखी बॉम्बिल। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे सुखी बॉम्बिल का कमाल का है नहीं बात चलेगी। रिलैक्स, जरा सी बात पर इतना सारा गुस्सा। अरे आज करवा चौथ ऐसा लग रहा है तुमने बुफे खा कर आए। रिलैक्स, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। चलो निकल आया, बादल हट गए, कुड़िया जल्दी आओ जल्दी। अरे भाई जल्दी से जल्दी पूजा कर लो वरना फिर ये बादलों में चला जाएगा। ओए आओ आओ जल्दी। अच्छा 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 अच्छा। नो वे, तनु से प्रॉमिस किया है मैं इस चश्मिश का फास्ट ब्रेक नहीं करूंगा, पर क्या करूं, अब दोनों दासियां मुझे ही देख रही हैं। कुछ कर अभी। अरे पूजा से पहले पानी गिर गया, ये तो अपशगुन होता है, अब मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी। Yes, ये चश्मिश रस्मों की बड़ी पक्की है, तो अगर इसका पानी गिर गया तो ये भी उसे अपशगुन मानेगी और फिर पास तोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ अभी चल इसका पानी गिराते। तुमने मुझे देखा? आई एम सो लकी। हमारी शादी नहीं हुई ना? नहीं हुई, इसका मतलब? इसका मतलब अब आपका पूरा वक्त शुरू हो गया अंकल, पीछे देखिए। अरे सोनाली तुम, मैं तो ऐसे चांद दिखा रहा था। अच्छा घर चलो तुम्हें तारे दिखाती हूँ। इसे बोल ही देता हूं कि मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने वाला नहीं हूं ताकि सबके सामने व्रत श्रत का नाटक ना करे। दादी को भी अभी आना था, वो आती पानी पिलाने को कहेंगी। क्या करूं क्या करूं। हाँ प्लान ए। नो 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 नो, अभी प्लान ए किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ये पानी जानबूझ के गिराया है। प्लान बी करना पड़ेगा, जिससे ये पानी खुद ही चश्मिश के हाथ से गिर जाए और मुझे इसे पिलाना ना पड़े। पर कैसे करूं, इसे ना खींच सकता हूं ना धक्का दे सकता हूं। कुछ कर अभी, पानी पिला दिया ना तो तन्नु बहुत अपसेट हो जाएगी। यस, प्लान सी।
क्या हुआ? कितनी अजीब बात है, पर तुमने रखा और प्यास मुझे लग रही है। कोई बात नहीं, और चाहिए मैं ले आऊं? अभी तू बहू को पानी क्यों नहीं पिला रहा? आओ दादी, the lota is empty. लगता है इससे रहा नहीं गया, व्रत खोलने से पहले सारा पानी पी गई। Just joking, दादी, relax. उसकी तबीयत खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे इंदु इधर आ। दीदी जा पानी लेके आ। नहीं दादी मैं लेकर आती हूँ। मैं लेके आऊंगी बेटा, तुम रुको। अरे चांद, अंकल चांद, चांद अंकल। प्लान भी ठीक था, अगर पानी गिर गया तो सबको लगेगा कि अपशगुन हो गया और फिर उसी टेंशन में सभी बात भूल जाएंगे। अब इससे क्या हुआ? ये ड्रामा तो नहीं कर रही? चश्मिश, ये चश्मिश क्या हो गया तुम्हें? ये चश्मिश आके खोलो। दासी पानी अभी अभी लाई। प्रज्ञा क्या होगा मेरे बच्ची को? चश्मिश ये आके खोलो। चश्मिश ये पानी पी। यीशु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मनोनुकूलः क्षमा दरिद्री सद्गुणयुक्तः त्रियः धर्मपत्नी। अब दादी ये ठीक है? सब ठीक हो गया और मेरी प्रज्ञा का पहला व्रत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे उस बहन जी से ज्यादा अभी पे गुस्सा आ रहा है। मेरे बोलने के बाद भी उसने पानी पिलाया कैसे? है कहाँ ये अभी? अब कैसा लग रहा है बेटा? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है दादी, बस मुंह का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। वो एसिडिटी की वजह से है बेटा, थोड़ा मीठा खाएगी ठीक हो जाएगा। और तुझे समझाना पड़ेगा, बहू को गाजर का हलवा खिला दे। बेहोश थोड़ी ना, खुद भी तो खा सकती है। कैसा पति है तू? उसने तेरे लिए व्रत रखा, सारा दिन भूखी रही और तू उसे अपने हाथों से गाजर का हलवा नहीं खिला सकता? खिला दे अभी, खिला दे, उसकी भूख मिट जाएगी और तेरा प्यार बढ़ जाएगा। मुझे गुस्सा आ रहा है और इसे मजा। ये सारे रिचुअल्स लड़कियों के लिए ही क्यों बनाए जाते? जहाँ हम इन्हें पैम्पर करते और ये हमें टॉर्चर। इन्हें टॉर्चर करने का कोई रिचुअल क्यों नहीं है? सोच क्या रहे है? चल नीचे। मीठा खाएगी, वो भी मेरे अभी के हाथों से। अब ऐसा हाल करूंगी तेरा कि जिंदगी में कभी दोबारा करवा चौथ नहीं बनाएगी।
ये सब तुम्हारा काम है। मैं सुबह ही सोच रही थी कि दादी मेरे लिए तीखी सरगी क्यों बनाएंगी। दादी ने जो चीज मेरे लिए इतने प्यार से बनाई थी उस पे तुमने अपनी बुरी नजर डाली और अब भी वही करने जा रही थी। क्या लगता है तुम्हें, ये रीति रिवाज, ये पूजा पाठ, ये सब मजाक है या कोई खेल है? तुम ये अपनी घटिया हरकतें इसमें करती रहोगी और कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं। तुम ये मिर्ची मुझे खिला के मेरी जबान जलाना चाहती हो, जबकि असल बात यह है कि तुम अंदर से जल रही हो। कि तुम्हारे लाख चाहने के बावजूद भी मैंने अपना व्रत पूरा कर लिया और तुम नहीं कर पाई पूरा। और कैसे करोगी, तुम पति पत्नी के रिश्ते को समझती हो? इस व्रत का मतलब पता है? जानती हो, जब सबसे पहले एक औरत ने यह व्रत रखा था तो उसका व्रत टूट गया था, जिसकी वजह से उसके पति पर जान का खतरा बन गया था। फिर उस औरत ने साल भर अपने पति की सेवा की, उसके बाद जाकर इस व्रत को पूरे रीति रिवाज के साथ पूरा किया। तब से लेकर आज तक हर औरत अपने पति की सलामती के लिए करती है ये व्रत, और तुमने ना तो ये व्रत खुद रखा न मुझे रखने देना चाहती थी। तुमने ना इस व्रत की पवित्रता का ख्याल किया न ही मेरे पति की सलामती। शट अप, अभी तुम्हारा पति नहीं है और नहीं वो कभी था। क्या अभी ने तुमसे कभी कहा है कि तुम उसकी पत्नी हो? कभी उसने ये कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी उसने तुम्हें टच किया है? नहीं ना, तो तुम्हारा ये रिश्ता अधूरा है और एक तरफा, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी का रिश्ता जो तुम्हारे साथ नहीं है ना, वो मेरे साथ है। और ये सात फेरे लेने से, करवा चौथ रखने से तुम कभी अभी को पा नहीं सकती हो। और मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं करती, फिर भी अभी मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। और तुम्हें पता है, अभी जब मेरे साथ रहता है ना, तो वो मुझे टच करता है, और उस वक्त जो फीलिंग होती है ना, पता है कैसी होती है? जो तुमने शादी के बाद भी महसूस नहीं की ना, वैसी फीलिंग। तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि भगवान मुझ जैसी लड़की कभी ना बनाए, पर आज मैं तुमसे कहती हूँ कि भगवान तुम जैसी बीवी किसी को ना बनाए, जिसकी मांग में सिंदूर तो है पर उसका पति उससे बहुत दूर है। मैं बिना शादी के अभी के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ शेयर कर रही हूँ। वो मेरी खुशी का, मेरी ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हर वीकेंड मुझे बाहर घुमाने ले जाता है। एंड यू नो वॉट, तुम्हारी शादी से पहले अभी मुझे एक लॉन्ग हॉलीडे पे लेके गया था, कुल्लू मनाली, जहाँ उसने मुझे खुशियाँ दी, प्यार दिया, स्वीट मेमोरीज दी। अभी मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक रात जब वो आंखें बंद करे तब मैं उसके साथ रहूं। लेकिन आंखें खुलती हैं तो मैं साथ होती। तुमने ये तो कह दिया कि उन्हें तुम्हारे साथ कैसा लगता है। तुम ये जानती हो कि उनकी जाती जिंदगी में, उन्हें घर में हर पल क्या महसूस होता है? जब सुबह उठते हैं तो उन्हें कैसी कॉफी पसंद है? जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैसा गाना सुनना पसंद करते हैं? जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? जब खुश होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? कब म्यूजिक बनाते हैं? कब दोस्तों से मिलने जाते हैं? कब उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है? जब उनकी कोई चीज गुम जाती है तो कहाँ ढूंढते हैं? अपनी बचपन की चीजें कहाँ रखते हैं? अपनी फेवरेट चीजें कहाँ रखते हैं? बाहर चाहे कुछ भी खा ले, घर में क्या खाना पसंद कर? जानती हो तुम ये सब? पूरी दुनिया उन्हें भगवान समझती है, लेकिन उनके मन में कोई ऐसा डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, नहीं मानते भगवान को। जानती थी तुम? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? जिंदगी में वो इंसान जरूरी नहीं होता जिसके साथ आपकी आंखें बंद हो या जिसके साथ आपकी रात खत्म हो। जिंदगी में वो इंसान जरूरी होता है जिसके साथ आपकी आंखें खुलती हैं, जिसके साथ आपकी सुबह शुरू होती है। तुम्हारे साथ वो चाहे हर पल हंस ले, लेकिन जब परेशान होते हैं, किसी से नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं, तब मेरे पास आते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। कम से कम मैं उनकी परेशानी दूर करने के, उनका गुस्सा कम करने के काम तो आती हूँ। तुम्हें क्या आता है? तुम्हें तो सिर्फ उनके साथ घूमना आता है, उनकी थकान कैसे मिटानी है तुम जानती हो। इसलिए सारा दिन जब वो तुम्हारे साथ घूम कर थक कर आते हैं,
जब उन्हें सुकून चाहिए होता है तो वो घर लौट कर आते, जहां उनके पास सिर्फ मैं हूं। जानती हूं तुमसे प्यार करते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे लिए सबसे बड़ी बात जिंदगी में ये है कि वो मेरे पति है, और अगर आज तुम मेरा व्रत तोड़ देती ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे फर्क पड़ता अगर मेरे व्रत टूटने की वजह से उन पर कोई मुसीबत आती तो। तुम्हें क्या लगता है ये व्रत मैंने किसी दिखावे के लिए किया? मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई, हो सकता है इसके पीछे कोई धार्मिक कारण हो ही ना, बस सारी मनगढ़ंत कहानियां हो। लेकिन जब मेरे पति की सलामती की बात आती है तो मैं हर काम करूंगी। जब बात दादी की खुशी की आती है तो मैं सच या झूठ नहीं देखूंगी, मैं उनकी हर बात मान लूंगी। जिससे मैं प्यार करती हूँ उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए मैं हर चीज करूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाती, लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। अपने मन के विश्वास को जगाए रखूंगी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे कुमकुम से जुड़ा है और मेरा कुमकुम मेरे भाग्य से। लेकिन तुम आज तक पति पत्नी के रिश्ते का जो अपमान करती आई हो ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे भाग्य में ये कुमकुम है भी या नहीं। इस चश्मिश की वजह से आई एम श्योर मेरा तन्नू के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। गुस्से में तो और भी भूख लग रही होगी उसे, लेकिन वो है का? कहीं दिख नहीं रही। ए, अले, तुमने तन्नू को देखा? नहीं भाई, मैं तो ऊपर भी नहीं थी। कहीं वो गुस्से में तो नहीं निकल गई? ऑब्वियसली गुस्से में ही निकली होगी, लेकिन व्हाट डू आई डू नाउ? मैं क्या करूं? टॉक टू मी, व्हाट डू आई डू का क्या मतलब है? मतलब मैं क्या करूं? भाई आप क्या करो, ये मैं बता रही हूँ ना आपको, आप जाकर उसे मनाओ। उसने आपके लिए फास्ट रखा है भाई, एंड यू नो तन्नू गुस्से में वो कैसे होती है। अब कहाँ ढूंढूं उसे, ईमेल पे? नहीं भाई, कॉल हर आप कुछ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने अपना झूठा फास्ट मुझसे तोड़ा, और वहाँ बेचारी तन्नू पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसने तो फास्ट क्या? कुछ नहीं, वो यहाँ से तुम्हारी वजह से चली गई है। उसे देखा नहीं गया कि तुम जैसी चालाक लड़की झूठ बोलने के बाद भी बच जाती है, और उस जैसी इनोसेंट लड़की बेचारी सच बोलने के बाद फंस जाती है। देखो, अगर तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ ना, तो बचपन के मुंह चश्मा सब फोड़ दूंगा मैं। कैसे मनाऊंगा मैं उसे? मुझे तो मनाना भी नहीं आता। ओए, वो सब ठीक हो जाएगा, उसकी क्या पता। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो? मैंने तो गाजर का हलवा तुम्हारे कमरे में रखवा दिया, बहू को खिलाया कि नहीं अभी तक? अगर इसने बोल दिया कि नहीं खिलाया तो चल खिला इसे। अभी प्रज्ञा ने व्रत रख के अपना प्यार जता दिया है, अब तुझे उसे हलवा खिला के अपना प्यार जताना है। दासी, वो मैं थोड़ी देर में अपना प्यार जताऊं? आज इससे ज्यादा कोई जरूरी काम हो ही नहीं सकता। अरे उसने तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और तू अपनी लंबी उम्र में से एक दिन भी उसे नहीं दे सकता। चल 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 मेरे साथ आज। चलो जी, अब मेरे सामने मेरी बहू को खिला। जल्दी खिला भाई, जल्दी खिला, हलवा ठंडा हो रहा है। खाओ जितना खाना है तुम्हें, पर इसमें मेरा प्यार नहीं, नफरत मिली हुई है। खाते ही उल्टी होगी। अब हलवा खिलाने के बाद इसको अच्छे से सुला भी देना, थकी हुई है ना? और बाहर जाने के लिए सोचना भी मत। और प्रज्ञा बेटा, अगर ये बाहर चला जाए ना तो मुझे बताना, मैं इसे कान पकड़ कर लाऊंगी। चलो चलो जी आओ। सॉरी तनु, तुम्हारा आज का व्रत अब अगले साल ही टूटेगा।